पानीपुतिवली डैम कर्जत और नेरल से बस 10 मिनट की दूरी पर। इसके साथ फेमस अट्रैक्शन पॉइंट्स है डिक्सल वाटरफॉल और आशाने कोशाने वाटरफॉल। यहाँ आना बेहद आसान है। कर्जत बदलापुर रोड पर नेरल में असल गांव में आइए और पूछिए डैम का रास्ता। थोड़ा सा कच्चा रास्ता आपको सीधे सीधे डैम की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल छोटा सा पहाड़ चढ़कर आपको इस डैम का एक टॉप व्यू नजर आएगा। और इतनी खूबसूरत जगह है ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐसी कोई जगह भी है यहाँ पर। मैं अभी आपको दिखा दूँ थोड़े टाइम में, पर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी। डैम तो सुंदर और शांत था ही, पर हमें देखना था एक सुंदर सा सनसेट, इसलिए हम ऊपर पहाड़ चढ़कर जा रहे थे। बाय द वे, विनायक से मिलिए, ये है मेरा कर्जत का आलसी फ्रेंड। इसको मैं जबरदस्ती साथ ले आई थी क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। चाहे वैलीज हो, केव्स हो, तालाब हो या नदियाँ, कर्जत मुख्य रूप से पहचाना जाता है इन सभी के लिए। मुंबई और पुणे से बहुत लोग यहाँ पर वीकेंड्स पर पिकनिक्स के लिए आते हैं, पर वे लोग सिर्फ प्रचलित जगहों पर ही जाते हैं। 1980 में डिक्सल के पास बांधा हुआ ये छोटा सा डैम दूसरे स्थलों के मुकाबले थोड़ा सा कम प्रचलित है। मुझे ना सनसेट्स देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मेरे घर के खिड़की से हो या कहीं और जाकर। सनसेट देखना मेरा सबसे पसंदीदा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर भी मुख्य रूप से सनसेट का मज़ा लेने ही आई थी। पर जब भी मैं ऐसी नेचर वाली जगहों पर आती हूँ ना, प्रकृति मुझे अपने आप से जोड़े रखने में बहुत मदद करती है। ऐसी जगहों पर आकर अक्सर मेरा मन मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है और बहुत सी चीज़ें फिर मेरे दिमाग में आती है, जैसे कि ये पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने में तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद, तारे, चाहत है तेरी पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सब देखता है खुली फिजाओं के पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। पानी की आवाज सुनकर तो हमसे रहा नहीं जा रहा था और हमने सोचा क्यों ना नीचे जाया जाए। पर हम जब आ रहे थे तो रास्ते में ही हमको गांव के लोगों ने बोला था कि यहाँ का पानी ठीक नहीं है, आप अंदर मत जाइए। तो हम ऐसी जगहों पर जब भी हम जाते हैं, हम गांव वाले जो बोलते हैं उनका ज़रूर सुनते हैं क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पता होता है। इस डैम में बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होकर मौत हुआ है। हाल ही की घटना थी कि 3 से 4 लोग यहाँ पर बच्चे, मतलब स्कूल के बच्चे तैरने आए थे और डूब गए। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आइए तो एक्सपर्ट्स के साथ आइए और ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना करें जो आपके लाइफ के लिए हानिकारक है। नेचर हमको बहुत चीज़ देता है, हमको बस वो लेना आना चाहिए। तो इस खूबसूरती को एंजॉय कीजिए और ऐसी चीज़ें ना करें जिससे खुद को भी नुकसान हो और अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान हो। मतलब जो लोग कर्जत में रहते हैं या पुणे में रहते हैं या मुरबाड़ कल्याण साइड में रहते हैं और जो लोग मुंबई के समुंदर का मज़ा नहीं ले सकते, वहाँ की लहरों को नहीं सुन सकते, तो ये सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद इतनी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है लहरों की, साथ ही साथ एक प्यारा सनसेट देखने मिल रहा है और ये लहरों की और पानी की आवाज़ और वो सूरज की किरणें इस तरह से वो पानी को छू रही।
सिंपल और सुंदर लोकेशन है ये कर्जत के पास। अगर आपको आना हो तो ज़रूर आना, मैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ लिखूँ।